उसके ऊपर व्हाइट स्टिकर लगाओ बड़े अक्षर में केमिस्ट्री को, ताकि ऐसी गलती वापस नहीं हो। पॉइंट नंबर कंप्लीट है, गुड। आई विल क्लियर द डाउट, लेकिन आप काम करते रहो, थोड़ी देर के लिए मैं रुकने वाला हूँ, ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा फिक्स कर ले और स्टार्ट में क्लियर करना इजी हो। न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं खड़े हो जाओ जरा एक मिनट। स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज स्टैंड अप, डेमो या जो लेट जॉइन किए। सुनो, आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन बताता हूँ किसी। आप किसी एक स्टूडेंट का नोटबुक ले तो अच्छा स्टूडेंट जो पूरा अच्छे से लिखता है, इसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है और जो शॉर्टकट नहीं मारता, सब कंटेंट पूरा लिखता है, उस स्टूडेंट की बुक आप लेके परमिशन लेके उसकी नोटबुक के पेजेस जेरॉक्स करो, होगा 30-40 रुपया जाए, बड़ा भाव एक दिन में नहीं खाने। और उस पैसे से जेरॉक्स करके वो जेरॉक्स घर पे लेके जाओ, क्योंकि ये कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। घर पे आराम से एक दिन रात को बैठने का, नाइट ड्यूटी करने का, 2 बजे तक बैठ पूरा कंप्लीट करने का। ओके, पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री और सॉलिड्स, 3 चैप्टर आपके मिस हो, और रिकॉर्डिंग देखने का, अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। दिस इज योर जॉब, आप लेट आ गए, बस छूट गई, अब चढ़ती बस में चढ़ जाओ, वरना जो है वो भी चला जाओ, समझे? आपका बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है क्या? होने वाला है? बिल्कुल नहीं, बोलना भी मत। तुम नहीं बोल सकते मैंने लेट ज्वाइन किया मेरा बोर्ड एग्जाम लेट हो, इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करोगे ना? करोगे किसी का बुक लेके जरा कंप्लीट करोगे 3 चैप्टर? थोड़ा सा सबको करने देते, मैं चाहता क्या हूँ थोड़ा पहले सब लोग कुछ करे, बाद में कुछ है तो मैं सबको साथ में करता हूँ। ये पोजीशन के बारे में ऐसी है, ऐसा ही 2 पोजीशन में भी हो सकते हैं, 3 पोजीशन हो सकते हैं। अभी ये वाला अगर लीनियर पॉलीगन बनने का सेट है, ये बारे में लीनियर पॉलीगन पर है, और बाद में हम इन दो को कंप्लीट कर सकते हैं। हां, पॉलीगन सर, ये प्लस और ये दोनों पॉइंट पर दोनों ये दे आपको जब भी लेने की जरूरत है आपको भी एच कौन जाएगा ये वाले बाजू में वाला ये वाला उसके बाद से क्रॉस इंग्लिश बनाने के लिए एक प्लेयर इधर एक लीनियर के है एक लीनियर के, अब इस लीनियर का नीचे वाला जो ग्रुप रहेगा इसके ऊपर वाले से ऐसा कर
लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या है? लॉ ऑफ इंडाइसेस ये देखो, ए का पावर एम और होल पावर एन, यानी ए का पावर एम इंटू एन, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ए का पावर एन प्लस एन, ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन, ए का पावर एन माइनस एमसीक्यू सॉल्व करो, हम
ये देखो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है यूनिट सेल क्रिस्टल लैटाइस। बहुत इजी है, क्रिस्टल एमोर्फस डिस्ट्रीब्यूश हो गया वो तो इजी है। कुछ डाउट्स है उसमें किसी को? नहीं ना? क्या करना है? नहीं आ रहे? अच्छा, कर लो ना।
मतलब मैं टॉपिक वाइज आगे जाऊंगा, फिर आप डाउट्स पूछ लीजिए। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस के टॉपिक में कोई डाउट है इसमें आपको बोलो। यूनिट सेल होता है ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के आसपास रखते कि थ्री डी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। इसे बनता है क्रिस्टल लैटिस। अब ये कौन सा वाला यूनिट सेल है? सिंपल कौन सा ये सिंपल कैसे मालूम पड़ा? खाली कॉर्नर पे क्लिक करते हैं खाली और स्ट्रक्चर अलग ऐसे। प्रिमिटिव सेंटर इजी है, बॉडी सेंटर एंड सेंटर ये प्लैटिस लैटिस पूरे 14 स्ट्रक्चर्स। इसमें किसी को डाउट? एबीसी अल्फा बीटा गामा अगर यही आपको आ गया तो सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे मुश्किल टॉपिक तो यही प्राइवेसी लैटिस टोटल इंटरेस्ट फोर्टी। ये भी आपको आना चाहिए। लैटाइस पॉइंट्स कितने हैं? लैटाइस पॉइंट्स का नंबर कितना है? 8। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1 8 8 2 8 यानी तो सिंपल क्यूबिक में तीन चीजें आपको याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? तीन चीज। बेटा आपस में बात क्यों कर रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज चला जाएगा आपको। 8 उसका लैटिस पॉइंट, 1 उसके नंबर ऑफ एटम और यूनिट, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रहेगा। कितना? 6। नोट कर लो, याद रख, ये तीन चीजों पे फोकस करना है हर यूनिट सेल पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे मालूम पड़ रहा है आपको, रेड यहाँ पे है, उसके पड़ोस में डायरेक्टली उससे छूने वाले कितने एटम रहेंगे? 6। 6 येलो है देखो, वो उसके नेबर से जो उसको छू रहे, गैप नहीं रहता, ये गैप नहीं रहता, ये खाली रिप्रेजेंटेशन है, वो छूते एक दूसरे। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का रहता है 6। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर। एस सी सी क्या है? एस सी सी सिंपल क्यूबिक सेल। मतलब समझ गया? अब यही चीज अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए करेंगे, पी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। कैसे? हर कॉर्नर पे एक और बीच में 9 पॉइंट्स है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। कैसे? 1 8 into 8 और 8 पूरा फुल, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 2। ये समझा? किसी को इसमें डाउट? तीसरा क्या बच गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो आप देखोगे इसके सेल जब हम 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे ऐसे, 4 के ऊपर 4 रखने का, कम से कम 8 रखने के बाद आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है यहाँ पे। कितना है? 8। 6 तो पहले से थे ना रे,
ऊपर से ये वाले बीच में आ गए ना बॉडी वाले, तो वो दो आ गए, कितने आ गए? दो, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एट। दो छुएंगे उसको हर एक। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज एट। वो इतना आसानी से दिखता नहीं है लेकिन आपको याद हो, वो दिखाना मुश्किल है बहुत, क्योंकि अंदर जो स्पीयर से एक दूसरे को छूटे लेकिन अपन दिखा नहीं सकते, उसको दिखाना मुश्किल है। एट कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो, तो दो हो गए ना सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो तीसरा क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ यहाँ पे दिखाया, देखो 3D स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आया देखो, यहाँ पे सब लोग देख सकते हो क्या? यस ये है ना आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड में ये बीच में रेड कलर दिख रहा है, ये उसके सेंटर का स्पीयर है, बाकी 8 कोने में 8 है ना, तो ये बीच वाला कितने को छू रहा है? ऊपर के 4 नीचे के 4, ऐसे याद रख, एक दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? 8 है, 8 को छू रहा है देखो। तीसरा है फेस यस सेंटर्ड क्यूबिक, लेटाइस पॉइंट्स। चैंपियन हो गया सब लोग, जो लेक्चर में रहते ना वो उनके लिए इजी है। अरे फोर कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। 4 इज द राइट आंसर। कैसे आया? हाँ ये 6 आधे आधे है ना, 6 आधे है तो 3 हो जाएगा ना उसका, टोटल इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12। अगेन ये दिखाना पॉसिबल नहीं है, बस याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12। एक स्पीयर 12 को छूने वाला है, इतना बस आपको जानकारी याद। हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझाने की कोशिश करो। देखना पड़ रहा है क्या? कुछ लोग 1 2 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 1 4 बोल रहे हैं। सिंपल में 1, इसमें 2, इसमें 4। सेल क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बोलो कुछ डाउट से याद नो। इसके बाद है आपको पढ़ना है ये जो तुम्हारा डाउट है। तीनों स्ट्रक्चर में आपको ध्यान से ए और आर का रिलेशनशिप पहले सीखना है। क्या सीखना है? ए और आर। ए और आर का रिलेशनशिप अगर याद रहेगा तो वॉल्यूम आएगा। ए और आर का रिलेशनशिप सीखने के लिए पहले कौन सा ले रहे हैं लोग? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में आपको ऐसे इमेजिन करना है
कि जो स्ट्रक्चर है सिंपल का मतलब है हर कोने में एक ना, हर कोने में एक। तो जब हम सिंपल क्यूब बनाते तो एक्चुअली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये जो है ना ये स्ट्रक्चर तो लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर नहीं। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है रियल में। ये जितनी जगह है वो पूरी ऑक्यूपाई करने वाली। तो आपको फोकस ये करना है कोई भी एक साइड पे ए ले लो। ए मतलब क्या है? कॉर्नर का लेंथ। कॉर्नर कितना है? इतना ए। अब ये बीच में जगह छोड़ेगा क्या? ये दोनों पार्टिकल नहीं, ये दोनों पार्टिकल बीच के क्या करेंगे? आधा ये ले लेगा और आधा ये, तो दोनों एक दूसरे को चिपकने वाले ऐसे। तो क्या मतलब हो गया ए और आर का? ये समझो बहुत जरूरी है। ए इज इक्वल टू टू आर। अभी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम दो चीजों का वॉल्यूम देखते हैं। एक बॉक्स का वॉल्यूम, एक किसका वॉल्यूम? बॉक्स। बॉक्स मतलब यूनिट सेल। यूनिट सेल बॉक्स है ना। यूनिट सेल क्या है? क्यूब है। यूनिट सेल आपका क्या है भाई? क्यूब। क्यूब है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब होता है, आया ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट। ये क्यूब आ जाएगा। ए का मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग? टू आर। ए की जगह टू आर डाल दो। अब आर की भाषा में वॉल्यूम कितना हो गया? ए आर हो गया। ये आपका बॉक्स का वॉल्यूम। अब बॉक्स में इतनी जगह है, लेकिन उसमें से इन्होंने कितनी जगह ली है ये कैसे मालूम पड़ेगा? पहले एक स्फीयर का वॉल्यूम देखो। एक स्फीयर का वॉल्यूम पता लगाओ, और ऐसे कितने हैं स्फीयर टोटल? आठ है, लेकिन हर एक का 1/8 हिस्सा अंदर है, तो आठों मिलकर एक स्फीयर बना रहे। एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वही उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड मतलब कितनी जगह ले रहा है, समझे क्या आप लोग? बोलो। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम कितना होगा रे? वन एटम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें वन रहता है, टोटल मिलकर वन ही रहता है। वन एटम का वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला है, 4/3 πr³ फॉर्मूला है। तो ये हो गया उसका कितना जगह लिया, कितना जगह है, कितना जगह ऑक्यूपाई किया। और इससे आगे आपका क्या? वॉल्यूम। ये तो ऐसे ही पता है, कोई जरूरत नहीं। आप क्या करो? डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे? डिवाइड करो। देखो इतनी जगह लिया है और इतनी जगह है, 4/3 में से 3 नीचे जाएगा, समझे? बाकी मैथमेटिक्स कर पाओगे। ऊपर किसका लेना है? ये। नीचे किसको लेना है? ये। और सॉल्व करना है, और 100 से मल्टीप्लाई क्यों करो? परसेंटेज फाइंड करना है। कितना आएगा? 52.4 है। बोला आएगा इसमें किसी को डाउट? पैटर्न एफिशिएंसी। मेन आपको ये याद रखना है, मेन ये सिंपल के लिए ए और आर का रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू टू आर। ये बदलेगा जब हम लोग फेस सेंटर देंगे, बॉडी सेंटर देंगे, बदलेगा। क्यों बदलेगा बता दो। बोलो क्या?
कर सकते ना। सुनो यहाँ देखो ए और आर का रिलेशन मालूम पड़ गया ना, तो क्या मैं आर की जगह पे ए अपॉन टू लिख सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे एक की जगह आर डाला ना, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, आर की जगह ए डाला। इसको कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा है, ए क्यू भी रखा है इसको, और इसमें आर की जगह ए अपॉन टू लिख दिया। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर तो ही है। गॉट इट? फर्क नहीं पड़ता कैसे भी रिलेशन हो। टेक्स्ट बुक वाला जो मेथड है वो भी राइट है, ये भी राइट। आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा। इसीलिए नोट्स देखना है, और इसीलिए लेक्चर और नोट्स का तालमेल बिठाना पड़ता है, और इसलिए अपने को दोनों मालूम होना चाहिए। नोट्स में क्या है, मैंने क्या पढ़ाया, क्या दोनों में कुछ फर्क है, नहीं है तो वही सब दोनों में फर्क। और आपको करके देखना चाहिए, मजा आएगा। ऐसे भी करके ऐसे भी करके देखो, करना है क्या? यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब लेंगे हम लोग नीचे, और ऊपर ऑक्यूपाइड वाले में ये लेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या लेंगे, ए अपॉन टू क्यूब। ये सॉल्व करो, जिसको आता है मैथ्स, ये सॉल्व करो इंटू 100, ऐसे करो। आया क्या है सबका? ऐसा ही अब जब सब लोग रिलेशनशिप याद, ए और आर का रिलेशनशिप याद रखो बस, बाकी मैथ्स है। करोगे सॉल्व तो देखो कितना आ रहा है, आर कट हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना। Thank you.
68% आ जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा, नहीं करेंगे तो और यही चीज जब फेस सेंटर में करते हैं तो ए और आर का रिलेशन क्या आता है, कॉम्प्लिकेटेड है, सब लोग ध्यान दो, कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करते वक्त मत बैठो, डायरेक्टली ए और आर का रिलेशनशिप देख लो, क्यों करते हो इतना सब। ये है रिलेशन, क्या है रिलेशन, ए इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2, यानी 2√2R, ए का रिलेशन ये है 2√2R, बस सिंपल, बस ए इज इक्वल टू 2√2R। फेस सेंटर में ए का मतलब है 2√2R। यही लेना बस, ऐसा कुछ मिलेगा अगर आप लोग अभी मेहनत कर लोगे नोटबुक पे ये सब करके रखोगे बाद में रिवीजन आपके लिए फालतू कुछ नहीं होते, खाली एक पढ़ा के याद रखना।
ऐसा कुछ मिलेगा आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद बहुत कुछ ओके कैलकुलेशन में काफी कठिनाई आ रही है जिनको सीखना है सीख सकते हैं। क्वेश्चन 47 है आपकी नोट्स में, प्रॉब्लम 47 पेज 11 पेज नंबर 11। डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम एन अपॉन वैल्यू जब हम लेते हैं तो ऊपर आता है 197 इंटू 4, नीचे 4.08 का पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। पहले तो ये वैल्यू सबको मालूम पड़ गई कौन सी वैल्यू कैसे आई किधर से आई। अब कैलकुलेशन के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट्स। पहले ये तो नंबर अच्छे इजी नंबर है उसको मैं कुछ नहीं करूंगा। नीचे ये जो नंबर है 4.08 क्या है 4 है। 4.08 को 4 मान सकते हैं या 4.1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 4.1। तो अगर मैं इसको 4.1 ले लेता हूं इंटू 10 का पावर माइनस 8 का क्यूब मुझे लेना है तो मुझे दोनों का क्यूब लेना है। एक है 4.1 का क्यूब लेना है और दूसरा 10 का पावर माइनस 8 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 4.1। यहां तक समझ गए। अब इसका क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब इसका लॉग देखो उसको 3 बार करो 3 बार प्लस करो जो भी लॉग रहेगा 3 बार प्लस करो और आई थिंक कंप्लीट हो गया। हाँ लॉग 3 बार प्लस करके एंटी लॉग देखेंगे वो उसका मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे इजी नंबर कर सकते हैं इजी नंबर लेकिन अगर मुश्किल नंबर आया हाँ एंट्रेंस में क्या है डायरेक्ट तीर मार लेने का उसको नंबर को छोटा करने का। 4 का क्यूब 64 है ना, 64 से ऊपर थोड़ा सा आएगा ना 0.1 का भी
बस यार अंदाजे से नहीं मिलेगा, ऐसे नंबर का आसानी से अंदाजे से नहीं मिलेगा, पूरा करते बैठने की जरूरत। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 समथिंग कुछ आएगा। नहीं, जिनको नंबर अगर आसान नहीं रहेंगे ना, अगर पॉइंट पे रहेंगे तो आप ऐसे करो, लॉग निकालो 3 बार प्लस करो, एंटी लॉग निकालो। Gracias.
ये किया हमने है क्या नोटबुक में आपके और फिर पूछना I think 7
जाओ धीरे जाओ